सत श्री अकाल जी। अज की वीडियो में आप बनावांगे जी साइकल वास्ते बैटरी और बनावांगे भी लिथियम बैटरी, क्योंकि जो इस पहला बैटरियां रखियां सी वो हुंदियां जी लैड एसिड, जिन्हां दा वजन हुंदा तकरीबन 12 तो 13 किलो, इन्हां दा जो बैकअप आ वह भी काफ़ी घट हुंदा लिथियम बैटरी के मुकाबले। ये बैटरी आप तैयार की है जी, इहदा जो वजन आ वजन हैगा ये 1 किलो ते 700 ग्राम, ये बनेगी जी 8 सैल आप लगाए आ तकरीबन 16 AH की। जो आप पहला लैड एसिड बैटरी लगाई सी वो आपां नूं 2 इस विच रखनियां पईआं सी 12-12 AH दियां, यानी कि वह 12 AH की 24 वोल्ट बैटरी सी दोवां नूं मिला के, पर यह वाली आ जो 24 वोल्ट 16 AH बैटरी बनेगी। ये आप जी सैल लगावे, ये वाले बाजार के सैल मिल जाते 100 रुपए का चंगा सैल आ, 120 रुपए का इस तो वधिया ये मीडियम, 60-70 रुपए का भी सैल मिल जाता। तो कोशिश करो कि वधिया सैल ही लगाओ। ये उपर चाहे जिमें ये वाला सैल आ, ये उपर लिखा गया 3500 या 3800 mAh, लेकिन तकरीबन यह 2000 mAh ही हुंदा जी। अते आपां इस दे विच 2000 mAh मान के तकरीबन ये लगावांगे जी 56 सैल, तां जाके जो अपनी बैटरी आ 24 वोल्ट 15-16 AH की बनेगी। इस तरह यह बैटरी तैयार हो जाएगी। हुण सैल आपां इस विच किवें लगाए आ, इहदे विच जी आपां लगाए आ 7 ग्रुप बना ले सी आपां 8-8 सैलां दे, जिवें तुसीं वेख सकदे हो आ, जिवें नीली पट्टी आ इसदी नैगेटिव पट्टी आते, ये तुसीं देखो कि 8 सैल 1 ग्रुप दे विच जुड़े हुए आ, पत्ती सारी आपां वैल्डिंग कीती आ 8 सैलां नूं, यानी ये ग्रुप हो गया एक। इस तरह आपां बनाए आ जी 7 ग्रुप। 7 ग्रुप बनाउण दे नाल जो अपना साइकल आ वह बहुत वधिया चलदा, ते उसते जो वोल्टेज आ वह तकरीबन बैटरी के वोल्टेज 28-29 वोल्ट बन जाते हैं जो ये फुल चार्ज हो जाती है, क्योंकि जो लैड एसिड बैटरी होंगी भी जो ये फुल चार्ज हो जाती है बैटरी 14.4 होंगे आ तकरीबन 28.8 वोल्ट ही होंगे जी, जिन्हों आप 24 वोल्ट वाली बैटरी कहते हैं। तो ये वाली जो बैटरी आदे आ जी तकरीबन 29 वोल्ट, तो इसनों मैं जो ग्रुप बनाए से 8-8 सैलों के 7 इन सारे ग्रुपां आपां सीरीज विच लगा दिता जी। मैं ये उपर निकल दी पत्ती स्पार्क वैल्डिंग स्पॉट वैल्डिंग दे नाल वैल्डिंग कीती है, जे तुहाडे कोले ये नहीं तो तुसीं इस दी जगह कावीए दे नाल तांबे दी तार भी लगा सकते हैं। जदों आपां ये पूरे कंप्लीट कर ले 7 दे 7 सैल सीरीज विच लगाउण तों बाद, फिर आपां नूं इहदे उपर लगाउणा पवेगा जी एक BMS ये वाली प्लेट। इस प्लेट की कीमत आ जी तकरीबन 1000 रुपए तो लैके 1200-1300। इस प्लेट का काम यह हुंदा कि जो आपां इह सैल लगाए आ इसनूं इसने ओवरचार्ज नहीं होण देना, जां इस विचों ज़्यादा करंट नहीं खिंचण देना, जां इसनूं डीप डिस्चार्ज नहीं होण देना, जां ओवरहीट नहीं होण देना, यानी कि यह सिलां की प्रोटैक्शन आ, जां सिलां ते आपां कह दईए भी दिमाग लगाता आपां, सिलां दा दिमाग आ इह जिसने इसनूं चार्ज भी करना अते इस तों आपां नूं वोल्टेज भी लैके देने अते सिलां नूं भी बचाउणा। इह तुहानूं अलग अलग साइज़ दे मिलणगे, साइज़ नहीं यानी कि सिलां की गिनती दे हिसाब दे नाल BMS मिलदा हुंदा। इह 1 सैल तों लैके तुसीं चाहे 100 सैल तक BMS लै लो, जिहो जी आपां बैटरी बनाउणी जिन्ने आपां सैल लगाउणे आ उस हिसाब दे नाल इह BMS मिलदा जी। इत्थे मैं पहला जो ये बैटरी बनाई सी उस समय मैं 6 ग्रुप बनाए सीगे 8-8 सैलों दे, जिहदे के वोल्टेज मैनू घट लगे, साइकल की जो स्पीड आ वह भी घटी सी, बैकअप भी घट सी। पर उस तो बाद मैं की कीता कि यह जो बैटरी आ इहदे उपर मैं 7 सैलों का ग्रुप बना के लगा दिता, BMS भी मैं बाद 7 सैल वाला ही लगाया। पर इत्थे एक प्रॉब्लम आवेगी जी, तुहानू मैं जो दसनी चाहुणा तुहाडे नाल सांझी करना चाहुणा,
कि जदों आपां इह बैटरी बना ली जे तां आपां 6 सैल लगाए तां वी आपां नूं इसदा चार्जर नहीं मिलना अते जे आपां 7 सैल लगाए तां वी इसदा आपां नूं चार्जर नहीं मिलना क्योंकि जो इन्हां दे वोल्टेज आ ਉਹ ਲੈਡ ਐਸਿਡ ਜੋ ਲੈਡ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੋਲਟੇਜ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਵੋਲਟੇਜ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈਡ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਚਾਰਜਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ 28.8 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਟ ਕਰ ਜਾਣਾ ਜੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ 30 ਵੋਲਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਰੰਟ ਫਿਰ ਇਹ ਚਾਰਜ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਜਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਲੀਥੀਅਮ ਸੈੱਲ ਵਾਲੀ ਜੋ ਬੈਟਰੀ ਆ ਇਹਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਚਾਰਜਰਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਚਾਰਜਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜਰ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੀਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰਜਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇਗੀ ਆਮ ਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਨੇ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਇਸ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਲੈਡ ਐਸਿਡ ਵਾਲਾ ਜੋ ਚਾਰਜਰ ਆ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਲੀਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜਰ ਹੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵੋਲਟੇਜ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਸੀ ਜੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ